हमारा कार्बन एटम दुनिया के एक महान साइंटिस्ट के दिल में घर कर गया। एक्सरेज की खोज हुए कई साल हो चुके थे। मरी क्यूरी और उनके पति और रिसर्च पार्टनर पियर जानना चाहते थे कि कैसे मैटर का एक अंश त्वचा, यहां तक कि दीवारों के भी आर पार देख पाना मुमकिन बना देता है। मरी को पता चला कि दुनिया में कुछ ऐसी दुर्लभ जगहें हैं जहां यूरेनियम से भरपूर चट्टानों में कुछ अनोखे गुण हैं। गहरे बादामी रंग के इस ओर में पाइन नीडल्स मौजूद थी और ये पूर्वी यूरोप के उस हिस्से से आया था जिसे आज हम चेक रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन ये चीज बहुत ही दुर्लभ थी और इसकी छोटी सी मात्रा को डिस्टिल करने में भी काफी समय और मेहनत लगती थी। बाद में मरी ने लिखा, हम इसी काम में लगे रहते थे जैसे कोई सपना देख रहे हों। इन दोनों ने इस ओर को शुद्ध करके पिच ब्लेंड नाम का मिनरल बनाने के लिए मुश्किल हालात में काम किया, जो 50-80% यूरेनियम था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन मरी और पियर इससे भी ज्यादा दुर्लभ चीज ढूंढ रहे थे। उन्हें टनों ओर को प्रोसेस करने में 3 साल लग गए। 1 ग्राम के भी 1/10 हिस्से को अलग करने में, जिसे उन्होंने नाम दिया रेडियम। मरी और पियर ने एक बिल्कुल नई चीज को खोज निकाला था। इन्होंने दिखाया कि रेडियम पर बहुत अधिक तापमान का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये अजीब बात थी। ज्यादातर चीजें तेज गर्मी की वजह से काफी बदल जाती हैं। एक और बात भी थी, इससे फौरन एनर्जी निकलती थी, केमिकल रिएक्शंस के जरिए नहीं बल्कि एक अनजान मैकेनिज्म के माध्यम से। मरी क्यूरी ने इस नए फिनोमिनन को नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। मरी और पियर ने मिलकर ये कैलकुलेट किया कि रेडियम के ढेर से फौरन जो एनर्जी मिलती है वो उतने ही कोयले को जलाने से कहीं ज्यादा है। उन्हें हैरानी हुई कि रेडियो एक्टिविटी केमिकल एनर्जी के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा ताकत रखती है। ये मॉलिक्यूल्स में मौजूद एनर्जी को रिहा करने और जमीन में गहराई पर मौजूद ताकत के बीच का फर्क है। मरी, पियर, आइरीन और जिससे बाद में वो शादी करने वाली थी, इस परिवार को साइंस की फील्ड में 5 नोबेल प्राइज मिलने वाले थे। इन्होंने जिस पिच ब्लेंड को रिफाइन करके बॉटल्स, ट्यूब्स और फ्लास्क्स में भरा था, बाद में उसके रेडियम पार्टिकल्स बचे रह गए थे। ये इतने दमदार थे कि रात में इनसे लैब रोशन हो जाता था। मरी ने लिखा था, ये चमकती ट्यूब्स यहां लैब में पृथ्वी पर मौजूद तारों जैसी लगती हैं। मरी ने सही नतीजा निकाला था कि ये चमक रेडियो एक्टिव एटम्स के केंद्र में मौजूद किसी चीज की वजह से दिख रही थी। हजारों साल तक ये सोचा जाता रहा कि एटम्स मैटर की सबसे छोटी यूनिट है। पृथ्वी पर मौजूद क्यूरी के ये सितारे इस बात के सबूत थे कि एटम के अंदर एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां और भी छोटे पार्टिकल इंटरैक्ट कर रहे थे। इस जादुई रात के 100 साल बाद भी क्यूरी की कुकबुक्स उस कमाल की रेडियो एक्टिविटी से जगमग थी जो उन्होंने खोजी थी। लेकिन कुदरत की इस गहरी समझ से जुड़ी कुछ पेचीदगियों को समझने में एक विजनरी को जरा समय लगा। ये थे H.G. Wells। ये लेखक साइंस से जुड़ी नई खोजों को दुनिया को मोह लेने वाली कहानियों में बदलने में माहिर थे, और ये उनके गंभीर परिणामों को समझने में भी सबसे आगे थे।